हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑन रिलायंस कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि रिलायंस कम्युनिकेशन जब से हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था 1.65 पे था, और तब से लेके अब तक ये 3.30 का इसने हाई बनाया है एनएससी पे। और बीएससी पे अगर हम देखेंगे आज का प्राइस तो वो है 3.57 फ्रेंड्स। तो अभी अगर हम आप अभी अगर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, वो डिटेल्स में फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे उससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 1.65 हमने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था और अभी का प्राइस जो एनएससी पे है, तो फ्रेंड्स मोर देन 100% के रिटर्न्स इस शेयर ने विद इन 1 मंथ दिए फ्रेंड्स। विद इन 1 मंथ 100% के रिटर्न्स, मतलब किसी ने 10,000 भी इन्वेस्ट किए होते उस टाइम पे तो अभी उसके 20,000 हुए रहते, और किसी ने 1 लाख किया होता तो उसके 2 लाख। तो बहुत अच्छे रिटर्न रिलायंस कम्युनिकेशन ने दिया है फ्रेंड्स। और ये बात किया मैंने एनएससी पे, अगर हम बीएससी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 17 पैसे ज़्यादा है बीएससी से। तो मोर देन 100% फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 120% जो है, 120% के रिटर्न्स इसने दिए है। तो फ्रेंड्स, रिलायंस कम्युनिकेशन का जो भी डिटेल्स है कि रिलायंस कम्युनिकेशन का एक्चुअल पिक्चर क्या है मार्केट में, उससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा क्या वो वीडियो है। उस वीडियो से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि रिलायंस कम्युनिकेशन का फिलहाल मार्केट में कंडीशन क्या है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है आगे जाके। और अभी जो रैली हमें देखने को मिल रही है कंटिन्यूस अपर सर्किट की, मैंने जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि अगर हम इसका 1 ईयर का मैक्स देखेंगे लास्ट, तो है 3.45। यानी अगर कल ये अपर सर्किट देता है तो ये 3.45 को टच करेगा, तो वहाँ से आगे जो जो है फ्रेंड्स, हमें बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पे रहना है। क्योंकि अगर ये वाला जो प्राइस है, अगर वो सस्टेन करता है और आगे बढ़ता है तो हमें उसको होल्ड करना है, लेकिन मॉनिटरिंग तो कंटिन्यू करना है। और अगर इस प्राइस के नीचे ये आना स्टार्ट होता है या लोअर सर्किट लगता है तो आपको आपका प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशंस रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। और अगर आगे जाता है तो अच्छा ही है। मैं खुद भी अच्छा खासा क्वांटिटी होल्ड करता हूँ रिलायंस कम्युनिकेशन का, तो मैं खुद भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करके प्राइस एग्जिट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाए कि लोअर सर्किट लग जाए और फिर बेचना मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ आपको बहुत एक्टिवली माइंड में रखना है फ्रेंड्स। और एक और सजेशन मेरा रहेगा कि एक बार ये प्राइस टच हो गया तो उसके बाद मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि बाय मत करना, क्योंकि ये वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे बाय हो जाएगा इस पर्टिकुलर शेयर के लिए। तो बाकी सब चीज़ें आप इन डिटेल, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये हाई प्राइस रहेगा और इसके ऊपर बाय करना रिस्की रहेगा, क्यों वो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर हम आज की क्वांटिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 100% डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी तो बहुत तगड़ी उठाई जा रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड क्वांटिटी। देख सकते हो आप यहाँ पे भी 89% डिलीवरेबल क्वांटिटी फ्रेंड्स, मतलब आउट ऑफ 86 लाख 76 लाख इज डिलीवरेबल क्वांटिटी। और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ये तो 100% ऑलमोस्ट जितना भी क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उतना सब डिलीवरेबल क्वांटिटी है। तो शेयर अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। आपको बस यहाँ पे अभी ये करना है कि क्लोजली मॉनिटर करना है, और आपका प्रॉफिट जैसे ही आपको लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो आपका प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है। अगर ये उससे भी आगे जाता है, बोल नहीं सकते मार्केट में क्या हो सकता है, उससे भी आगे जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छे खासे रिटर्न्स मिलेंगे हम लोगों को रिलायंस कम्युनिकेशन में। तो आप ज़रूर मेरा डिस्क्रिप्शन वाला जो वीडियो लिंक है वो देखिए फ्रेंड्स। और इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।